तो अभी हम चलते हैं, चलो बाय। तुसी जा रहे हो, तुसी मत जाओ। अरे 2 दिन बाद फिर आएंगे बताने कब और कहां अटैक होने वाला है, तब तक तुम अपने आप को तैयार करो, उसमें टाइम लगेगा। लड़की थोड़ी है जो टाइम लगेगा, मुंह हाथ धोए हो गए तैयार। शादी में आया है तू? हैं, शादी में आया है तू? अरे तैयार का मतलब रिसोर्सेस इकट्ठा करो, आर्मर क्राफ्ट करो, खाने पीने का इंतजाम करो और हथियार बनाओ। चलो 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 चलो, हिलो ढिलो कोई तो चलो। चलो मैं ही चल लेता हूँ। चिंटू ये घास दिख रही है? हाँ खाली, बहुत भूख लग रही थी। अबे बकरी की औलाद, इसको तोड़, इनमें से तुझे कुछ वीट सीड्स देंगी, वो मुझे लाके दे, तब तक मैं खेत बनाता हूँ। ओके ब्लू, वैसे खेत क्यों बना रहा है, उसके साइड में हगेगा तू क्या? नहीं, उसके लिए तेरा मुँह काफी है। ए क्या है, फालतू बात कर रहा है, खेत में वीट सीड लगाऊंगा तो वीट उगेगी, यानी गेहूं, फिर उसकी ब्रेड बना के खाना। तू नॉन वेज तो तू खाता नहीं है, इसको माइनक्राफ्ट में फार्मिंग बोलते हैं। अभी तक पिछवाड़े में दर्द हो रहा है यार। सॉरी ग्रास वीट सीड्स क्यों नहीं देती, सिर्फ कुछ ही क्यों देती है, बाकियों के साथ इतना इंसाफी क्यों? क्यों मैं आवाज उठाऊंगा ब्लू। ब्लू ले आया वीट सीड्स। ठीक है अब लगा दे। अब 1-2 दिन रुक जा, ये वीट को बड़े होकर पकने दे। Do you lost your mind, Vidu? My stomach is more empty than vacuum, and you want me to wait for 1 or more days, you meddling? Talking in English and becoming angry on me will not gonna solve the problem. It will take time. और नहीं हो रही सबर, तू नॉन वेज खा ले। Till then I will become skinny as dry wood. लकड़ी की तरह सूख जाएगा मैं। Can't able to move my hands. अपने हाथ पांव भी नहीं हिला पाएगा। Oi, Mom. Don't give me subtitles. मुझे आती है English. Shakespeare को मैंने सिखाई थी। अरे लड़ो मत। एनिमीज से ज्यादा तो आपस में लड़ रहे हो तुम। तुझे कोई जरूरत नहीं नॉन वेज खाने की, तू ब्रेड ही खाना। मैंने कल बहुत सारे स्केलेटन को मारा जिससे मुझे बहुत सारा बोन मिला, फिर मैंने उसको बोन मील में क्राफ्ट कर लिया। अब ये क्या बोला है? ये एक फर्टिलाइजर होता है जिसको तू इस फसल में डालेगा तो ये तुरंत उग जाएगी, फिर तू उस वीट को उखाड़ के उससे ब्रेड बना के तुरंत खा सकता है। तो मेरा मुंह क्यों तकड़ा है, जल्दी होगा ना? भूख से मर रहा है मैं, इधर नाखून गा के पेट भर रहा हूँ। खा ब्रेड, ठूस, जान खा रहा इतनी देर से। जान खाने से पेट नहीं भर आता ना ब्लू। आहा हा, आनंद आ गया। आहा, बस पानी और मिल जाए। उसके लिए बाल्टी बनानी पड़ेगी, उसके लिए आयरन इंगट चाहिए, उसके लिए आयरन और चाहिए, उसके लिए माइनिंग करनी पड़ेगी। चल चिंटू माइनिंग करने। अरे मेरे को क्यों ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है, मेरे को थोड़ी आता है कुछ। अबे मैं हूँ ना साथ में, डरता क्यों है, डर को मार गोली, लेट्स प्ले होली, मतलब लेट्स डू माइनिंग। यो जाने से पहले बुढ़े लोग इकट्ठा कर लेते हैं, इसकी कमी नहीं होनी चाहिए, टॉर्च और हथियार बनाने के काम आएंगे। ये तो मेरे फ्यूचर से भी ज्यादा डार्क लग रही है। देख मैं जाते वक्त लेफ्ट साइड टॉर्च लगा रहा हूँ, इसका मतलब अगर लेफ्ट साइड टॉर्च है तो अपन गुफा में अंदर की ओर जा रहे हैं, और राइट साइड है तो गुफा से बाहर आ रहे हैं ब्रू, इसलिए लगा रहे हैं ताकि भटके नहीं। एकदम सही, मजा आ गया, ये हुई ना बात। अरे अपनी बात ही अलग है ब्रू। आई एम द बेस्ट, ड्रेस इज द रेस्ट। इतना ओढ़े मत, कहीं से भी ज़ॉम्बी आ जाएंगे तेरे को पेल जाएंगे। अबे कद्दू डर है मेरा, तू है तो सा ब्लू। आजा ले ले ले, आजा आजा आजा, ले ले, कम विथ मी बेबी, कम विथ मी, आजा फास्ट, कम फास्ट, तू भी आजा। चलो घर को अपग्रेड कर लेता हूँ, ये तो काफी बेसिक लग रहा है। आजा आजा आजा। तू क्या कर रहा है? एनिमल फार्म बना रहा हूँ। ठीक है, मैं घर अपग्रेड कर रहा हूँ, और ये दोनों कहाँ मर गए? माइनिंग करने गए। चिंटू वो भी माइनिंग, और वो भी बिना आर्मर पहने, इन्होंने तो यमराज को दावत दे दी। क्या लगता है ये लोग इविलिजार्डी को सक्सेसफुल होने से रोक पाएंगे? कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी तक तो किसी की कोई फाइट नहीं हुई है, तो अभी जज करना गलत होगा, पर उम्मीद कर सकते हैं। हाँ
उम्मीद तो कर ही सकते हैं, पर वो चश्मे वाला तो बिल्कुल ही नौसिखिया लगता है। वो पता नहीं वो कैसे क्या कर पाएगा। हाँ, उसका ही डर है कहीं मर नहीं जाए और मरवा दे बाकियों को। ओह नो। अब वो तो बात की बात है, फिलहाल तो अपन ये पता लगाते हैं कहाँ ठीक होने वाला है। चलो। हाँ चलो। सुन, किसी को मारने जाए ना चिंटू, तो सिंपल मारने की बजाय उछक्कर खोपड़ी पे मारा कर। ऐसे बहुत डैमेज होता है। बेवकूफ है क्या? किसी को बंदूक चलाना सिखाएगा तो उसको ही उड़ा देगा क्या? ये कोई तरीका का हुआ एग्जांपल देने का? मेरे को ही मार रहा है। हाँ अब मार इसको, ये जो हाथ में स्वॉर्ड है ना, इससे मार उसको, डरे मत, उचक के मार। अरे देख तू, अभी मैं इसका भूत बना के मुंह निकालता हूँ। भिजुम भिजुम भिजुम। अरे ये तो कितना क्यूट बच्चे। अरे मेरे तेरे पापा को मार दिया, सॉरी। अरे तू तो मेरे को मार रहा है। अरे अरे रुक, अरे तो आजा आजा, तू भी आजा, ले बाण मारेगा है, ले ले। बहुत सही चिंटू, ऐसे ही लड़ता रहे, एक दिन एंडर ड्रैगन को भी निपटा देगा तू। चल अब आगे आयरन और ढूंढते हैं, आज अपन को आयरन लेके जाना है बहुत सारा, और संभल के थोड़ा। हो गया घर अपग्रेड, अब बढ़िया लग रहा है। हाँ एकदम मस्त मिया भाई, वैसे मैंने तो इससे अच्छे अच्छे भी घर बनाए, ये तो कुछ भी नहीं है। बट कोई बात नहीं, नमक स्वाद अनुसार, क्राफ्टिंग औकात अनुसार। हाँ तो तू बना लेता ना। जरूरत तीच नहीं है, बस ने थोड़ी आए मिशन पे आए, अपन को इधर उधर भटकना है, जरूरत तीच नहीं है। सब तैयारी हो गई, बेसिक चीजों का इंतजाम हो गया। हाँ अभी जरूरत के हिसाब से तो सब हो गया है, फार्म खड़ा कर दिया है खाने के लिए, बहुत सारी आयरन माइनिंग करी जिससे बहुत आयरन के टूल्स बनाए, स्वॉर्ड पिकेक्स वगैरह, और आर्मर भी क्राफ्ट कर लिया प्रोटेक्शन के लिए। बढ़िया, अब सुनो, देयर आर टू विलेजेस, एक इधर लेफ्ट साइड सेंड बायोम में और एक उधर राइट साइड प्लेन बायोम में। किस पे अटैक होने वाला है ये पता नहीं है, बट एक रिडल है जिससे पता लगाया जा सकता है। रिडल है ये, मैं उस जगह का वासी हूँ जिस जगह से निकलता कांच है, चिल चिलाती धूप में होता यहाँ मिराज है, खाने के बाद आई हमारी बारी, रोक लो ये महामारी। अरे बड़ू कहाँ जा रहे हो यार, मेरे को इंस्टाग्राम पे आके तो बताओ क्या मतलब हो सकता है रिडल का। अरे यार बड़ू बताओ यार आके क्या मतलब हो सकता है, आओ तो फॉलो भी कर लेना। अरे यार तुम तो आती नहीं हो यार वहाँ पे। अरे यार